हेलो वेलकम गाइज, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 4 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। यहाँ पे इसकी लीक्स निकल के सामने आ चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और रिलीज डेट की बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिज़ाइन के बारे में। तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा डुअल रियर कैमरा, फ्रंट पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और साथ ही ऊपर वाले हिस्से में आपको एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूएसबी टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ्रंट साइड में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो गाइस, जब बात करते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। इसके रिजोल्यूशन की बात करता हूं तो इसका रिजोल्यूशन होने वाला है 1080p x 2340 pixel का। और साथ ही गाइस, बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P70 का चिपसेट, जो कि मीडियाटेक का बहुत ही दमदार चिपसेट है। तो दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी हीटिंग या फिर लैग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आप हाई ग्राफिक गेम बड़ी आसानी से रन करा सकते हैं। और साथ ही गाइस, बात करते हैं यहां पर इसके स्टोरेज एंड रैम की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 4GB का रैम और साथ ही यहां पर आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके एक्सपेंडेबल मेमोरी की, तो यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256GB तक दोस्तों। और साथ ही गाइस, बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा डुअल रियर कैमरा। यहाँ पे प्राइमरी सेंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16 MP का मेन सेंसर और साथ ही सेकेंडरी सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 MP का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके शूटिंग मोड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस शूटिंग और साथ ही यहाँ पे आपको HDR देखने को मिलेगा। और साथ ही फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 13 MP का कैमरा। और साथ ही बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट और साथ ही में यहाँ पर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 और साथ ही बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैटर्न, पिन एंड पासवर्ड और साथ ही में यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही गाइस, बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4400 mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाली है। और साथ ही गाइस, बात करते हैं इसके प्राइसिंग एंड रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों इसकी प्राइस होने वाली है 13,999 rupees। तो बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट की, तो दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा जुलाई मंथ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी मैं आपको इस वीडियो देख पाऊँ। तो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।